दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरते मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब हजरते मरियम अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, जब उसके कोई सोहर नहीं था और जब उसने अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द की तरफ देखा नहीं, तो फिर उसके बेटा कैसे हुआ, यानी कि हजरते ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए। बहुत ही प्यारा वाकया हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह खूबसूरत वाकया पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम किसी की बीवी नहीं है, मगर हाँ वो एक नबी की यानी कि एक पैगम्बर की माँ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर किसी मर्द के कैसे पैदा हुए। दोस्तों हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान और जकरिया दोनों हमजुल्फ थे। इमरान की बीवी का नाम हजरत हिना और जकरिया की बीवी का नाम ईसान था। इमरान की बीवी हजरत हिना को एक जमाने तक कोई औलाद नहीं हुई थी, यहाँ तक कि उसको बुढ़ापा आ गया और वो मायूस रहने लगी थी, मगर ये सालहीन का खानदान था और ये सब लोग अल्लाह के मकबूल बंदे थे। एक रोज इमरान की बीवी हजरत हिना एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि उसने देखा कि उस दरख्त के साए तले एक चिड़िया अपने एक बच्चे के साथ बैठी हुई है। उसको देखकर हजरत हिना के दिल में औलाद का शोक पैदा हुआ और उसने उसी वक्त बारगाह इलाही में हाथ उठाए और दुआ करने लगी, ए अल्लाह अगर तू मुझे बच्चा दे दे तो मैं उसको बैतुल मुकद्दस का खादिम बनाऊँ और उसकी खिदमत के लिए उसको हाजिर कर दूँ। अल्लाह ने आपकी यह दुआ सुन ली और वो हामिला यानी कि प्रेग्नेंट हो गई। जब इस बात की खबर उसके सोहर को हुई तो उसने कहा कि तुमने ये क्या किया, अगर हमें लड़की हो गई तो वो इस काबिल कैसे होगी, यानी कि वो बैतुल मुकद्दस की खिदमत किस तरह से करेगी। क्योंकि दोस्तों उस जमाने में लड़कों को ही बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए दिया जाता था और लड़कियों को इस काबिल नहीं समझा जाता था। हजरत हिना के बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके सोहर इमरान का इंतकाल हो गया और उसके बाद हजरत हिना की लड़की पैदा हो गई और अल्लाह के करम से ऐसी लड़की पैदा हुई जो फर्जंद से भी ज़्यादा फजीलत रखने वाली थी। यही साहबजादी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हुई और यह अपने ज़माने की औरतों में सबसे ज़्यादा अजमत व अफजल वाली थी। इनका मरियम नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि मरियम का मतलब होता है पाक और साफ। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किसी गैर मर्द की तरफ कभी देखा नहीं। जब हजरत मरियम की शादी नहीं हुई यानी कि उसके सोहर भी नहीं था, तो फिर उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह से पैदा हुए। दोस्तों हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने खास दिनों में मस्जिद से बाहर निकला करती थी किसी खास ज़रूरत के लिए या फिर किसी खास काम के लिए, जैसे कि खाना या पानी का इंतज़ाम करने के लिए वो निकला करती थी। एक बार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी किसी खास हाजत के लिए बाहर निकली और आप मस्जिद अक्सा के मशरिकी साइड में तशरीफ़ फरमा थी कि इतने में अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपके सामने आ गए। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने सामने किसी इंसान को देखा तो वो कहने लगी, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ तुझसे अगर तू मुत्तकी और परहेजगार है तो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं आपको अल्लाह के हुक्म से एक पाकीज़ा बच्चा दूँ। यह सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी कि मुझे बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक किसी मर्द को देखा नहीं है, मुझे आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर भी अल्लाह के हुक्म से तेरी बच्चा पैदा होगा, तेरे रब ने कहा है कि वो मुझको आसान है और अल्लाह ने फरमाया है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको लोगों के लिए निशानी बना सकें। हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के और माँ हव्वा को बगैर किसी माँ के और अब आपकी औलाद को बगैर बाप के पैदा करें और ये हमारी तरफ से रहमत है, मतलब कि तुम्हारा यह बच्चा अपने बचपन में लोगों के लिए बाईस रहमत होगा और उनके लिए दुआएं करेगा और लोगों से अल्लाह की इबादत करवाएगा। दोस्तों उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम की कमीज की गिरेबान में एक फूंक मारी तो हजरत जिब्राइल की वो फूंक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की शर्मगाह तक खुद बखुद पहुंच गई और इस तरह से उसके हमल ठहर गया, यानी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हो गई। आयत मुबारका से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और आप इंसानी शक्ल में उनके पास गए थे
उन्होंने मरियम के गिरेबान में एक फूंक मारी थी, ना कि नौज बिल्ला उनकी शर्मगाह के करीब पहुंची, बल्कि उनकी वो गिरेबान पर मारी गई फूंक खुद ब खुद ही उनके नीचे के मुकाम तक पहुंच गई। उसके बाद दोस्तों अल्लाह ताला की तरफ से यह फरमाया गया कि फिर हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी, यानी कि उसमें रूह डाल दी। आगे अल्लाह का फरमान है कि फिर वो हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उसके बच्चा पैदा हो गया। और अल्लाह ने यह इसलिए फरमाया क्योंकि जब हजरत मरियम प्रेग्नेंट हुई तो कुछ तंगदिल लोग हजरत मरियम के बारे में गलत सलत बोलने लगे थे, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की प्रेगनेंसी की अलामत जाहिर हुई तो सबसे पहले बनी इसराइल के एक नेक और परहेजगार शख्स को उसकी झलक लगी, यानी कि सबसे पहले एक नेक शख्स को इस बात के बारे में मालूम हुआ। उसका नाम यूसुफ बिन याकूब बढ़ई यानी कि कारपेंटर था, और वो हजरत मरियम के खालाजाद भाई भी थे। यूसुफ को जब यह मालूम हुआ कि हजरत मरियम प्रेगनेंट है तो उसको इस बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो हजरत मरियम को अच्छी तरह से जानते थे कि वो कितनी नेक और परहेजगार औरत है। वो मरियम की दयानत और पाकिजगी और उसकी इबादत को अच्छी तरह से जानते थे। उनको यह भी मालूम था कि मरियम की शादी भी नहीं हुई है। इन सब के बावजूद वो हजरत मरियम को प्रेग्नेंट भी देख रहे थे। उसके बाद दोस्तों एक मरतबा यूसुफ बिन याकूब हजरत मरियम के सामने आए और मरियम से बातचीत करने लगी, और आपने उनसे पूछा कि ए मरियम, क्या किसी बीज के बगैर खेती उग सकती है? तो मरियम ने कहा कि हाँ उग सकती है, बताओ किसने पहली मरतबा खेती को पैदा किया? यूसुफ ने फिर पूछा क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? तो मरियम ने फरमाया कि हाँ हो सकती है, अल्लाह ताला ने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया है। तो यूसुफ ने फिर कहा कि अच्छा, तो अब तुम अपनी खबर दो। तो यह सुनकर मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक निशानी की, जिसका नाम मसीहा ईसा बिन मरियम होगा, और वो दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला होगा, और लोगों से बचपन में भी और बुढ़ापे में भी कलाम करेगा, और सालेहीन में से होगा। और दोस्तों केवल यूसुफ ही नहीं, बल्कि इस तरह के सवाल हजरत मरियम से हजरत जकरिया ने भी किए थे, और आप मरियम ने उन्हें भी इसी तरह से जवाब दिए थे। मगर फिर भी लोग हजरत मरियम के बारे में गलत सलत बोलने लगे थे, और नौज़ बिल्ला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को यूसुफ के साथ बदनाम किया जाने लगा था, और उन पर तोहमत और इल्ज़ाम लगाए गए थे। मगर अल्लाह ताला बखूबी जानता था हजरत मरियम कितनी नेक और परहेजगार औरत है, और आखिरकार उनके पेट से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो अल्लाह के नबी यानी कि पैगम्बर रहे हैं। दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें, और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।